यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यशाया 41। हे द्वीपो, मेरे सामने चुप रहो और देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम दोनों आपस में न्याय चुकाने के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक की उभार है, जिसको वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है, वह उसके वश में जातियों को कर देता है और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहरता है। वह उन्हें उसकी तलवार को धूल के समान और उसके धनुष को उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग में जिस पर वह कभी न चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ी को लगातार बुलाता आया है, मैं यहोवा जो सबसे पहला हूं और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक एक अपने भाई से कहता है कि हियाव बांध और बढ़ई सोनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बांध बंधा रहा है कि जोड़ तो अच्छी है, सो वह कील ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लेकर पहुंचाया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और नहीं तजा, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करता और तेरी सहायता करता और अपने धर्ममय दहीने हाथ से तुझे संभालता रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे और उनके मुंह काले हो जाएंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं वह नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तू ढूंढने पर भी न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वह नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्य, मत डरो क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा छुड़ाने वाला इस्राएल का पवित्र हूं। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाय दाय कर सूक्ष्म धूली कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा। तू तो उनको ओसाएगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगा और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी नहीं पाते और उनका तालू प्यास के मारे सूख गया है, पर मैं यहोवा उनकी बिनती सुनूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे के टीलों में से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार और बबूल और मेहंदी और जलपाई उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर तिधार वृक्ष और सीधा सनोबर इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ है और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। यहोवा कहता है कि अपना मुकदमा लड़ो। यहोवा याकूब का राजा कहता है कि हे अपने दृढ़ प्रमाण दो, वे उन्हें देकर हमको बताए कि होनहार में क्या होगा, पूर्वकाल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि आगे को उनका क्या फल होगा, वह होने वाली घटनाएं हमको सुना दो, आगे को जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम जानेंगे कि तुम ईश्वर हो, भला व बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर एक संग चकित हो जाए। देखो तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं बनता, जो कोई तुमको चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा और वह आ भी गया, वह पूर्व दिशा से भी मेरा नाम लेता है,
जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था जिससे हम जाने? किसने पूर्वकाल से यह प्रकट किया जिससे हम कहे कि वह धर्मी है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ही ने पहले सियोन से कहा कि देख, उन्हें देख, मैं यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजूंगा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया। उनमें से कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ है और तुच्छ है, और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और गड़बड़ की है।